हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ उषा। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों की दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ और आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, कोई महिला जैसे प्रेग्नेंट हो जाती है ना, उसको खुशखबरी मिल जाती है कि वो माँ बनने वाली है, तो क्या होता है कि जल्दी से जल्दी उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आने लगता है कि वो किसकी माँ बनने वाली है, एक बेबी बॉय की या बेबी गर्ल की। दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम आगे वही बात करने वाले हैं कि आखिर हम गर्भावस्था के 1 से लेकर 3 महीने के बीच में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ऐसे कौन से सिम्टम्स से हम पता लगा सकते हैं कि आपको क्या होगा, एक बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। दोस्तों, तो हमारी महिलाओं की गर्भावस्था में, जो महिला की प्रेगनेंसी में ये उत्सुकता रहती है जानने की कि उसको क्या होने वाला है, लड़का या लड़की, तो यही उत्सुकता को शांत करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। बाकी मेरे चैनल का या फिर ये वीडियो बनाने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप लड़का लड़की में कोई भेदभाव करें। हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों को एक समान प्यार और अधिकार दोनों देने चाहिए। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जान लेते हैं ऐसे कुछ बेबी बॉय सिम्टम्स के बारे में जो आपको आपकी गर्भावस्था के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 3 महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश जरूर करना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल को विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को हिट करके और ऊपर प्रेस कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, 1 से लेकर 9 महीने में जो हम सिम्टम्स बताने जा रहे हैं वो है, फर्स्ट तो होगा कि आपको वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होना, मतलब आपका जैसे ही 3रा महीना लग जाता है ना दोस्तों, तो आपको क्या होगा कि कोई ना कोई बदबू से, किसी भी दुर्गंध से, उसका आपको क्या होगा कि वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होगा दोस्तों। हाँ, लेकिन वॉमिटिंग आपको बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ आपको वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आएगा ही। अगर ये सिम्टम आपको दिख रहा है ना, तो हमारी बड़ी बुजुर्ग महिला ऐसा बताती है कि आपको शायद एक बेबी बॉय होने वाला है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट ऐसा है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आपका मूड स्विंग होना। दोस्तों, मतलब जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, उसका 1-1.5 महीना चला जाता है ना, तो आपका मूड है वो बहुत ही स्विंग होने लगता है। मतलब आपको बेवजह गुस्सा आने लगता है, बेवजह आपको रोने लगती है, बेवजह आपको हंसना आ जाता है। मतलब आपका मूड है वो दिन भर दिन बदलता रहता है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है। कभी आप हंसने लगती है, कभी आप बेवजह रोने लगती है, तो ऐसा सब कुछ भी हो सकता है। तो हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिला है, तो ये सिम्टम को भी गर्भ में एक लड़का होने से कनेक्ट करती है। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं तीसरे सिम्टम के बारे में, तो वो है आपके खाने की पसंद और नापसंद के ऊपर। दोस्तों, तो हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं ये सब बताती है कि अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले जो चीज़ें खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, वो अभी आपको 3रे महीने से खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो ये माना जाता है कि आपको एक गर्भ में बेबी बॉय पड़ रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।